हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल फंड्स के बारे में जानेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है। शायद ही ये पहली वीडियो है जो इंटरनेशनल फंड के बारे में बोला जाएगा रुपी और डॉलर का रिलेशनशिप में, और उसका एक्चुअल ट्रूथ कैसा है, ये कैसे इफेक्ट करेगा आपका इंटरनेशनल फंड का रिटर्न के ऊपर, इसके ऊपर शायद ये पहली वीडियो है यूट्यूब में। तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो पहले हम जान लेंगे कि इंटरनेशनल फंड एक्चुअली होता क्या है। देखिए, बहुत सारा ऐसा फंड है हमारा इंडिया में लिस्टेड, जो फंड्स फॉरेन जो फंड इक्विटी शेयर होता है उसमें वो लोग निवेश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, ब्लू चिप इंटरनेशनल फंड है, एक यूएस ब्लू चिप फंड स्पेशली, वो लोग यूएस में जो भी बिग कंपनीज है, जैसे कि एप्पल हो गया, आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सब कंपनी में वो लोग निवेश करते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया में रहते हुए अगर आपका मन करे कि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर हो तो अच्छा होता, गूगल का चीज अच्छा शेयर रहता तो अच्छा होता, तो वो लोग क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल फंड को खरीद सकते हैं, ताकि इनडायरेक्टली वो इंटरनेशनल फंड जो आपका यूएस में स्टॉक में या इंटरनेशनल स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को पोर्टफोलियो में भी एक इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो रहेगा। आज का दिन में भी जाके देखेंगे तो इंटरनेशनल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो बहुत आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, यही का ट्रूथ है। ट्रूथ उसके बिहाइंड में ट्रूथ क्या है, हालांकि हाँ यूएस मार्केट भी परफॉर्म किया था हमारे साथ, लेकिन हाल ही में जब मार्केट गिरा, यूएस मार्केट भी गिरा था, तो उसके चलते भी कैसे हमारा जो इंटरनेशनल फंड है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद बावजूद एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब इंडियन मार्केट आपको अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल फंड है वो आपका नीचे जा सकता है, वो आपको लॉस देख सकता है। तो इसके पीछे ट्रूथ एक्चुअली क्या है, एक्चुअली गेम क्या है, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो डॉलर और रुपी रिलेशनशिप है ये हम बताएंगे इस वीडियो में। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना, लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए, हमारा जब भी फंड, एक इंटरनेशनल फंड हमसे पैसा लेता है, वो INR में होता है, इंडियन रुपीस में होता है। मान लीजिए आप 2000 रुपए आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड को, हाथ में देते हैं कि भैया ये लो मेरा पैसा और जाके यूएस का कुछ अच्छा स्टॉक्स खरीद लो, तो आप तो 2000 रुपीस में देते हैं उसको पैसा, लेकिन वो अभी फंड हाउस लेके उस पैसे को जाता है यूएस मार्केट में निवेश करने के लिए। यूएस मार्केट तो डॉलर में पैसा लेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, रुपये से लेके डॉलर में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। ये है जब आप बाई करते हैं उस टाइम, ये बाई करने के टाइम में आपका जो रुपी है वो डॉलर में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखिए। तो उस टाइम क्या होगा, अगर मान लीजिए डॉलर का प्राइस कम है, डॉलर का प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो आपका 2000 रुपए में ज्यादा डॉलर मिलेगा। 2000 रुपए को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा डॉलर आपको मिलेगा। ज्यादा डॉलर मिलने का मतलब क्या है, ज्यादा पैसा होना डॉलर में और आप ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं यूएस में। ऐसा ही मोटा मोटा तरफ से मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, राइट। सेल जब आप करते हैं, मान लीजिए ये तो आप निवेश कर लीजिए, सेल जब कर रहे हैं तो उल्टा सिचुएशन होता है। सेलिंग आप जब करेंगे वो लोग डॉलर में बेचेगा, वो लोग जब शेयर को बेचेगा वहां पे, तो वो जो फंड हाउस है उसको डॉलर में पैसा मिलेगा। डॉलर तो आपको नहीं देगा ना, वो लोग तो आपके अकाउंट में इंडियन रुपीज क्रेडिट करेगा, तो फिर डॉलर को लेके आपका रुपीज में कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे कन्वर्शन चार्ज भी लगेगा, तो वो सब चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे जाके क्या होता है, एक्चुअली ट्रूथ क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चलता है। तो ये डॉलर टू रुपी वो लोग कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये रुपी आपको देगा। इस टाइम आपको कैसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, आप देखिए, इस टाइम अगर रुपी के वैल्यू कम है डॉलर के मुकाबले, मतलब डॉलर का प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे डॉलर का प्राइस कम था तो आपको मुनाफा हुआ, यहाँ पे डॉलर का प्राइस अगर ज्यादा है और रुपए का प्राइस कम है, रुपए का प्राइस कम है और यहाँ पे रुपए का प्राइस ज्यादा है, मैं एरो देके दे देता हूं आपको समझ में आएगा। रुपए का प्राइस अगर कम है तो $1 अगर मैं उसको
उसको रिडीम करता हूँ एक डॉलर, तो मुझे ज्यादा रुपीज मिलेगा। मान लीजिए रुपीज का प्राइस 70 रुपीज चल रहा है, तो एक डॉलर आपको अगर रिडीम करेंगे तो आपको 70 रुपीज मिलेगा। लेकिन रुपीज का प्राइस कम होना डॉलर के मुकाबले मतलब एक्चुअली वो वर्जन है, मैं बताता हूँ आपको। अगर रुपीज का वैल्यू डॉलर के मुकाबले 80 रुपीज हो जाता है, यानी कि हमारा मनी डिप्रिशिएट किया है, तो क्या होगा, एक डॉलर अगर आप रिडीम करेंगे तो रुपी का आपको 80 रुपीज मिलेगा। तो इस टाइम में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपका अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा। तो रुपी उस टाइम अगर ज्यादा गिर रहा है डॉलर के मुकाबले तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये है बिहाइंड द सीन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या आइडियल केस में क्या होना चाहिए, आइडियल केस में क्या होता है, जब भी आप इंटरनेशनल फंड में निवेश करने के सोच रही हैं, तो आंख बंद करके निवेश मत कीजिए। थोड़ा सा डॉलर रुपी क्या रेट में चल रहा है, क्या कौन सा भाव में चल रहा है, उसको भी ध्यान में दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लंप सम में पैसा लगा रहा है इंटरनेशनल फंड में, और मेरे मानना है ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, ज्यादातर लोग लमसम में इंटरनेशनल फंड में लगाते हैं। एसआईपी चल रहा है, बहुत लोगों का इंटरनेशनल फंड में एसआईपी चल रहा है, ये बहुत कम है। चल रहा होगा कुछ कुछ लोगों का, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। हम लोगों को क्या होता है, कुछ बोनस मिला, कुछ पैसा मिल गया, देखे हम इंटरनेशनल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चलो भाई पैसा लगा देते हैं, ऐसा ही है। तो उस टाइम आप देखिए कि आपका ये डॉलर रुपी का इक्वेशन क्या है, कैसा रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये जो है ये आपको डिपेंड करता है, ये इफेक्ट करता है आपका एनएवी, जो वैल्यू आप देखते हैं, या फिर आपका जो रिटर्न आता है उसके ऊपर ये बहुत इफेक्ट करता है। तो आज जो आप लोग देखते हैं कि ज्यादा आपको, आप लोगों को, आप देखेंगे पोर्टफोलियो में 2020 में या जब भी रुपी डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरा है, उस टाइम आपका ये इंटरनेशनल फंड ज्यादा मुनाफा कमा के दिया है। वो क्यों? क्योंकि तब एक डॉलर अगर वो रिडीम करते हैं आप लोग, एक डॉलर रिडीम करके आपको मान लीजिए पहले 60 रुपीज मिलता था, अभी एक डॉलर रिडीम करने में आपको मिल रहा है 75 के आसपास, 75 रुपीज। तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म में कैसा हो गया, परसेंटेज टर्म में 60 था और ये 75 है, परसेंटेज टर्म में देखिए लगभग 20% का गेन है, 20% से भी ज्यादा, 22% का गेन यहाँ पे ही आप कमा लिए, 22% का गेन मान लीजिए। तो ये क्या हुआ, आपका स्टॉक जाए भार में, स्टॉक आपका मान लीजिए आपने यूएस में एप्पल को खरीदा है, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट गूगल को खरीदा है, वो कंपनी का प्राइस कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, एकदम जो प्राइस में खरीदे हैं वो प्राइस में ही रह गया। लेकिन आपका जो आपका डॉलर रुपी इक्वेशन है, डॉलर रुपी आपका 22% मान लीजिए एक साल में मूव कर गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको दिखेगा कि मार्केट तो एक ही है, मार्केट एक जैसा ही है, लेकिन ये रुपी हमारा डॉलर के हिसाब से कम हो गया, इसीलिए हमें प्रॉफिट जो है वो 22% मिल गया। तो हम लोग सोचेंगे अरे इंटरनेशनल फंड बहुत अच्छा है, विदेश में बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वहां का भी फंड, मान लीजिए वहां का भी स्टॉक एकदम स्टैग्नेंट ही है, मान लीजिए कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन ये रुपी और डॉलर के इक्वेशन के चलते ये जो बिहाइंड द सीन बैक द सीन काम हो रहा है, इसके वजह से आपको 20-25% रिटर्न आपको मिल रहा है। इसका अगर रिवर्स होना चालू हो जाएगा, जब ये रुपी जो है वो डॉलर को आउट परफॉर्म करेगा, मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए क्लीन करके बोल देता हूं, मान लीजिए जब आप एक डॉलर का प्राइस पहले 75, अभी जो चल रहा है लगभग 70-75 का आसपास, और उसके बाद अगर एक डॉलर का प्राइस आपका घट के हो गया 65 रुपीज मान लेते हैं, तो लगभग ये 12% का गिरावट आ गया, -12%। अगर ऐसा हुआ, डॉलर का प्राइस अगर आपको कम हो जाता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हिट हो जाएगा डायरेक्टली 12%। अगर तब यूएस मार्केट सेम भी चलेगा, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट सेम है, इंडिया मार्केट सेम ही चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, कुछ गेन भी नहीं, कुछ लॉस भी नहीं, तो भी आपको इंटरनेशनल फंड में गिरावट देखेंगे, आपका जो एनएवी प्राइस है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें भारी गिरावट देखेगा 12% का। क्यों? क्योंकि आपका डॉलर जो है वो आपका डिप्रिशिएट हो गया, आपका रुपए का मुकाबले रुपए आपका अच्छा हो गया, ये 75 से 65 होना मतलब रुपए स्ट्रांग हो रहा है,
हम हमारा INR, तो ये अगर होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेंगे इंटरनेशनल फंड में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तब डॉलर रुपी इक्वेशन क्या चल रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप रिडिम्पशन के लिए सोचेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचेंगे, तब भी डॉलर रुपी कैसे चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।